ओंकारेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मध्य प्रदेश के खंडवा के मोरटक्का गांव से लगभग 12 मील यानी 20 किलोमीटर दूर बसा है। ये द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। पुराणों के अनुसार राजा मंधाता ने यहां नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव के प्रकट होने पर उनसे यही निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से ये प्रसिद्ध तीर्थ नगरी ओंकार मंधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। शास्त्रों में मान्यता है कि कोई भी तीर्थयात्री देश के भले ही सारे तीर्थ कर ले, किंतु जब तक वो ओंकारेश्वर आकर किए गए तीर्थों का जल लाकर यहाँ नहीं चढ़ाता, उसके सारे तीर्थ अधूरे माने जाते हैं। ओंकारेश्वर तीर्थ के साथ नर्मदा जी का भी विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार जमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल प्रदान करता है, उतना पुण्य फल नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। ओंकारेश्वर लिंग किसी मनुष्य के द्वारा गढ़ा, तराशा या बनाया हुआ नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक शिवलिंग है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। प्रायः किसी मंदिर में लिंग की स्थापना गर्भगृह के मध्य में की जाती है और उसके ठीक ऊपर शिखर होता है, किंतु ये ओंकारेश्वर लिंग मंदिर के गुंबद के नीचे नहीं है। इसकी एक विशेषता ये भी है कि मंदिर के ऊपरी शिखर पर भगवान महाकालेश्वर की मूर्ति लगी है। कुछ लोगों की मान्यता है कि ये पर्वत ही ओंकार रूप है। ओंकारेश्वर का मंदिर ओंकार में बने चंद्र बिंदु का जो स्थान है, वही स्थान ओंकार पर्वत पर बने ओंकारेश्वर मंदिर का है। इस मंदिर में शिव जी के पास ही माता पार्वती की भी मूर्ति स्थापित है। यहाँ पर भगवान परमेश्वर महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है।